शिकवे से शुक्र तक ये सफर बहुत ही खूबसूरत और रंगीन रंगों से पुरनूर है। खुदा की बेशुमार मखलूकात हर वक्त अपने खालिक का शुक्र मनाती है। ये वो ताकत है जो नाउमीद को उम्मीद में बदलने का हौसला रखती है। तो चलें शिकवे छोड़कर शुक्र का दामन थाम लेते हैं। ए इंसान, क्यों दर दर भटकता है? तेरा रास्ता, तेरी मंजिल तो बड़ी आसान है। तू एक ही रस्सी को पकड़ और चलता जा, चलता जा। ए मेरे मालिक, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे दो आंखें दी कि तेरी कुदरत के नज़ारे देख सकूं। शुक्र है मुझे कान दिए कि इन चरण परिंद की खूबसूरत आवाज़ सुन सकूं। तेरा शुक्र है कि तूने अपना शुक्रगुजार बनाया। ए मेरे मालिक, तू मुझ पर अपना करम ऐसे ही बनाए रखना और मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में शुमार रखना। ये खूबसूरत नज़ारे, ये खूबसूरत जानवर, ये खूबसूरत चरण परिंद तेरी ही कुदरत की निशानियां हैं, तेरी ही कुदरत हैं जो हम ना समझ इंसान कभी समझ ना सके। हम ना समझ इंसान इनसे बेखबर रहते हैं, लेकिन तूने अपना शुक्र अदा किया है तो शुक्र ही अदा करना। शुक्र।